हेलो अरे, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। सो स्टार्ट करेंगे आज के न्यू सुपर सीरीज के कंटेंट को, और आज ही मैंने इसे पब्लिश किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को सारी डिटेल्स बता देती हूँ मैं इसके बारे में। ये पार्ट वन है जहाँ पर हम डीटर प्लस भी पीआरटी की जो अपकमिंग हमारे सामने वैकेंसीज आई हैं उससे रिलेटेड प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं एज अ सुपर सीरीज के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप लोगों को टॉप सिलेक्टेड मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो एवरी सब्जेक्ट एवरी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। और पार्ट वन टू ऐसे ही सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक हमारा डीटर प्लस भी पीआरटी का एग्जाम नहीं हो जाता। अगर देखा जाए तो 16 सितंबर को हमारे फॉर्म फिल होना एज अ स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट 15 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल होने की डीटर प्लस भी पीआरटी के अकॉर्डिंग। सो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही और बेस्ट तरीके से, जहाँ से हम क्रैक कर सकें पीआरटी को स्पेशली ईजी तरीके से। एक एक चीज़ को आप लोगों को एज अ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन सा पैटर्न हमारे सामने एज अ पीआरटी के अकॉर्डिंग आएगा और कौन कौन सी चीज़ें हमारी कवर होने वाली हैं डी ट्रिपल प्लस बी की सुपर सीरीज के अकॉर्डिंग। सारी की सारी चीज़ें डिटेल वाइज कंटिन्यू करेंगे और पार्ट वन टू थ्री ऐसे ही सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेंगी मिक्स क्वेश्चन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है लाइक हिट के जरिए, ताकि मैं इन सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूं, और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से बीच बीच में पुट अप करती रहूंगी आप लोगों को उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को सीख कर अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम को डी ट्रिपल प्लस बी के साथ क्रैक कर सकें। सो स्टार्ट करेंगे अपने। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। ऑलरेडी वैसे मैं डी ट्रिपल प्लस बी का पूरा पैटर्न सिलेबस लेकर आ चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी की चीज़ें ये स्टार्टिंग वे है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए सब्जेक्ट आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए हैं। जनरल अवेयरनेस जो हमारा 2020 के अकॉर्डिंग कवर होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट। सेकंड हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसमें 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 20 क्वेश्चंस एज अ 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अर्थमेटिका या न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स पोर्शन हमारा थर्ड सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से 2020 के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज से भी हमारे 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ और फाइव सब्जेक्ट बन जाता है। लास्ट सब्जेक्ट आएगा हमारा सिक्स सब्जेक्ट, जिसे एज अ पार्ट टू के अकॉर्डिंग कहा जाता है, और ये फाइव सब्जेक्ट 1 to 5 ये हमारे पार्ट वन में आते हैं। ये पार्ट बी हो जाता है हमारा, और ये आ जाता है हमारा पार्ट ए। तो याद रखेंगे पार्ट ए और बी के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड यानी कि टीचिंग मैथडोलॉजी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग मैथडोलॉजी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी कवर किया जाता है, पैडागोजी को भी कवर किया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को भी कवर किया जाता है, और कुछ हमारे जो एजुकेशन बेस्ड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्ट अभी तक लागू हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पूरे 100 मार्क्स का ये पोर्शन हमारा हो जाता है, तो टोटल हमारे 200 का पोर्शन बन जाएगा डी ट्रिपल प्लस बी में। 2 घंटे का टाइम मिलता है विद नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसी पैटर्न को अपने ध्यान में अपने माइंड में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को अपनी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के सामने कंटिन्यू चलती रहेगी, ताकि एक एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली कवर कर सकें, और टॉपिक्स अगर आप लोगों को लिखने हैं, क्वेश्चंस अगर आपको नोट डाउन करने हैं, सेल्फ करने हैं, तो भी आप लोग नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी प्रिपरेशन को। हाल ही में संपन्न एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 2019 में हमारी ये चैंपियनशिप हुई, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जिसका नाम दिया गया है, और 2019 के अकॉर्डिंग ये हुई थी हमारी 24 अप्रैल को। याद रखेंगे 24 अप्रैल को ये चैंपियनशिप हमारी हुई थी, और भारत का रैंक क्या रहा है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भारत का रैंक रहा है हमारा फोर्थ, यानी कि चौथे नंबर पर फोर्थ रैंक रही है हमारे भारत की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सेकेंड नंबर पर चाइना आ जाता है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर चाइना है, फोर्थ नंबर पर है भारत। अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा और थर्ड रैंक पर कौन सा देश रहा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड रैंक पर कौन सी कंट्रीज रहे हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क आप लोगों को बताने हैं, ताकि आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को मजबूर कर दे अपनी रिवीजन को बेस्ट बनाने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रैंकिंग किस तरीके से मिली है। भारत ने इस रैंक में अगर देखा जाए तो 17 पदक जीते हैं, यानी कि 17 गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग भी है, जिसमें 3 हमारे गोल्ड हैं,
सेवन हमारे सिल्वर है, सेवन हमारे कांसे जिसे बोला जाता है ब्रोंज मेडल, ये तो ये टोटल हमारा मतलब कि पूरा स्केड्यूल बन जाता है 17 का। तो ये पदक जीते हैं भारत ने, चाइना ने ज्यादा जीते हैं, जापान को भी पीछे छोड़ दिया आपकी बार। तो ये हमारा चाइना आ गया है 2nd नंबर पर, 4th नंबर पर है भारत, फर्स्ट और थर्ड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नाम बताना है उस कंट्री का, तो ये आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर कौन सा है? भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर, एलिफेंटा, अजंता, उदयगिरी या एलोरा? तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज डी ऑप्शन, यानी कि एलोरा गुफाओं का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है भारत का, जो कब निर्मित हुआ था? 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में इसे निर्मित किया था। किसने किया था? राजा कृष्ण। राजा कृष्ण उस टाइम के राष्ट्रकूट राजा थे और राजा कृष्ण प्रथम उनका नाम था जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में जिसकी कैपिटल है मुंबई, याद रखेंगे ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा, और यहाँ पर सबसे मोस्ट फेमस मंदिर है और वो किसका है? कैलाश, यानी कि शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, कैलाश मंदिर जिसे कहा जाता है, कैलाश टेम्पल, कुछ भी कह सकते हैं, अपना अपना एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20 सप्ताह और 20 दिनों, सॉरी दिनों में कितने दिन होते हैं? 20 सप्ताह और 20 दिनों में कितने दिन हो जाएंगे? तो 20 वीक है हमारे सामने, 20 × 7 करेंगे क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 140 + 20, तो कितना हो गया हमारे सामने? 160। तो आप इजीली से ओरली भी निकाल सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, सुनीता उत्तर से 6 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले तो पैटर्न बनाना होगा, ये पैटर्न हम ऐसे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर करवाऊंगी मैं इस क्वेश्चन को। ईस्ट है यानी कि पूर्व दिशा बोलते हैं जिसे, नॉर्थ है, उत्तर दिशा बोलते हैं जिसे, वेस्ट है, पश्चिम दिशा बोलते हैं जिसे, और साउथ है, दक्षिण दिशा बोलते हैं जिसे ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दक्षिण दिशा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ दक्षिण दिशा। तो ये है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुनीता है वो उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से उसने 6 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया, 6 किलोमीटर ठीक है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ी, यानी कि राइट हैंड, दाएं मुड़ने के बाद वो 4 मीटर चली, 4 किलोमीटर चली सॉरी, फिर दोबारा से वो दाएं मुड़ी और कितना चली? 6 किलोमीटर। ये पैटर्न बन गया हमारा इतना, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ी, बाएं मतलब कि लेफ्ट, तो यहाँ पर कितनी चली वो? 6 किलोमीटर ठीक है। ये कंटिन्यू हुआ, फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या किया? इसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, 5 किलोमीटर चलने के बाद अंत में वो दाएं फिर मुड़ जाती है, फिर अगेन 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये पूरा ऐसे पैटर्न बन गया। अब अंतिम में बताना है कि वो कौन सी दिशा में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उस बताना है हमें कौन सी दिशा में है, तो ये हो जाती है हमारी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। याद रखेंगे इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से और एक्यूरेसी और टाइम स्पीड के अकॉर्डिंग आएंगे, अगर आप इनकी रेगुलर और ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट आप लोगों को एक दिन में इससे रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चन तो कवर करने ही हैं, अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो। अगर नॉर्मली है, ठीक ठाक है, आप लोग कर लेते हैं इजिली, तो आप 5 क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस की रिविजन रोज करें इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF और LCM 11 और 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो सेकंड हमें नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, हम जब भी ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं HCF और LCM का, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर, ये हो गया। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है सारी की सारी चीजें एज अ, जिसे हम कह सकते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो एक्स है। एलसीएम आप लोगों को कितना दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, ये पता है आप लोगों को। एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है 11 और एलसीएम दे रखा है 693। ये है हमारे सामने पैटर्न। और यहाँ पर अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 77 इक्वल टू, क्योंकि एक नंबर तो हमें दे रखा है, एक नंबर हमें नहीं दे रखा, तो एक नंबर को हमने एक्स मान लिया और एक नंबर हमें दे रखा है, तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे और 77 हमारा अपॉन में आ जाएगा, एक्स इधर रह जाएगा, इसको हम अपॉन में कंटिन्यू करेंगे, 7 पे जाएगा और ये जाएगा हमारा किस पे, 99 पे। तो सही आंसर हमारा आएगा बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो सेकंड नंबर है वो है हमारा 99 और फर्स्ट नंबर है 77। ये आप लोगों को फॉर्मूला इस तरीके से पुटअप करना है और आंसर ऐसे ही निकालना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर डी ट्रिपल प्लस बी में रिपीट होते हैं, तो याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को पुटअप करना है। नेक्स्ट हमारे सामने सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, और ये है हमारा एलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक। और एलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ क्या बहुत फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, वो भी टिप्स पर, क्योंकि इजीली अगर हमें एक्यूरेसी बनानी है डी ट्रिपल प्लस बी में तो हमें फॉर्मूले ज़रूर लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन तरीके से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम 1/x कर सकते हैं एज अ रेसिप्रोकल, ये पूरा पैटर्न बन जाएगा। जब हमारे सामने इस तरीके से टर्म होती है तो उसे कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मली कैसे करना है। जब हम या हमारे सामने इस तरीके से टर्म होगी तो जो हमारी पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है, ऐसे। तो एक्स की पावर 1 बच जाएगी, तो ये नॉर्मली 1 और इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 3 कर देती हूँ, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, इंटू 1/3, ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो एज अ किस तरीके से निकलेगी, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। एलसीएम लेके जब हम उसका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा एक्स की पावर 2, यानी कि 1 इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो आंसर निकल जाएगा एक्स की पावर 2, इट इज बी एक्स, जो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आंसर है हमारा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, शी पुट ऑन अ बनारसी साड़ी दैट शी हैड पुट अवे फॉर हर फैलिसिएशन डे। फैलिसिएशन अगर मैं बात करूँ इसका मतलब होता है कोई शुभ अवसर, हिंदी में बोलते हैं शुभ अवसर, ठीक है। तो उसने बनारसी साड़ी पहनी या पहनने वाली है किस दिन, किसी शुभ अवसर पर। तो यहाँ पर करेक्ट जो मतलब कि अगर इसको चेंज किया जाए, इन पुट ऑन और पुट अवे को थोड़ा सा चेंज किया जाए एज अ इडियम और फ्रेज के अकॉर्डिंग, तो कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सही आंसर बनेगा, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, पहनना। तो यहाँ पर सभी में वोर वियर दे रखा है, ठीक है। पुट अवे, पुट अवे का मतलब क्या होता है, पुट अवे का मतलब होता है सेव करके रखना, यानी कि सेव करके रखना या स्टोर करके रखना या बचा के रखना, यानी कि उसने जो लड़की है उसने बनारसी साड़ी बचा कर रखी किसी शुभ अवसर पर पहनने के लिए। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि शी वोर अ बनारसी साड़ी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हर फेलिसिटेशन डे, यानी कि शुभ अवसर पर या कुछ अच्छी चीज़ें हम सेव करके रखते हैं कि हम इस दिन उसे ट्राई करेंगे या बहुत सारी चीज़ें हैं एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप लोग आंसर फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप इजीली किसी भी इंग्लिश के पोर्शन को या इंग्लिश के क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वर्ड, वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताना है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, मतलब कि सही स्पेलिंग किसकी है, सही है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, ट्रांसमिट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये तीनों स्पेलिंग हमारी गलत है। सबसे पहले तो हॉचिस, हॉचिस का मतलब अगर मैं बताऊं तो पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, HUNCHES, इसका मतलब होता है बैक, चाहे वो नॉर्मली किसी भी पर्सन का बैक यानी कि पीछे का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं, या किसी भी एनिमल का
ह्यूमन और एनिमल दोनों के अकॉर्डिंग आता है, याद रखेंगे ठीक है। एक्सुटेरेंट इसका मतलब नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा खुश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मिली मिल मतलब कि मिल जाती है, तो उस वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा मार्क्ड, मार्केटेड यानी कि प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना नॉर्मली, तो प्रमोट के अकॉर्डिंग आ जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो करेक्ट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग है। बाकी की चीज़ें यहाँ पर देखिए, हॉन्चिस की स्पेलिंग ये थी, और इसकी स्पेलिंग जो हमारी एक्सुलटेंट, इसका मतलब तो बता दिया मैंने ज़्यादा खुश होना, और इसकी स्पेलिंग आप लोगों को बता दूँ ये होगी हमारी TAN, ठीक है। आई थिंक बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखी है इसमें, हाँ सॉरी डबल एल है यहाँ पर, मुझे लगा कि शायद, कोई नहीं डबल एल है तो याद रखेंगे। मार्क्ड, मार्केटेड, तो मार्केटेड की स्पेलिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, सुमुखी में समास बताना है। सुमुखी यानी कि सुंदर मुख वाली, तो सुमुखी इट इज़ अ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करने वाला, तीसरे पद की ओर इशारा करने वाला क्या कहलाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो सुंदर मुख वाली, सुमुखी सुंदर मुख वाली किसी लड़की के लिए किया जा रहा है, तो वहां पर हम बहुव्रीहि समास का यूज करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल दूं मैं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र वैसे तो ये संख्यावाची है तो द्विगु समास भी हो सकता है, बट त्रिनेत्र हम शिव जी के लिए यूज़ करते हैं, गिरधर कृष्ण जी के लिए यूज़ करते हैं, वीणा पाणी सरस्वती के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी हमारे बहुव्रीहि में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, राम ने श्याम से खत लिखवाया। राम ने श्याम से खत लिखवाया, अब इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, अकर्मक, विश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है वो रिलेटेड होती है किससे, किसी दूसरे या तीसरे पर्सन से काम करवाने के लिए, हमने खिलवाया, पिलवाया, निलवाया, लिखवाया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर हम खुद ना करके किसी काम को दूसरों से करवाते हैं, वो होते हैं हमारा प्रेरणादायक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, कुछ भी कह सकते हैं। और अकर्मक क्रिया जिसके अंदर किसी वस्तु या काम का नहीं होता, जैसे नॉर्मली मैं हंस रहा हूँ, वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जहाँ पर किसी काम को मेंशन किया गया हो, काम के साथ ऑब्जेक्ट वस्तु है उसको भी शो किया गया हो, वो हमारा सकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा परीक्षा बोर्ड 2020 में विकलांग बच्चों के लिए विजुअल एड की अनुमति दे देगा। बिहार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, CBSE अनुमति यानी कि पूरी एक अपॉर्चुनिटी देगा उन बच्चों के लिए भी जो एज अ हैंडीकैप्ड हैं किसी न किसी वजह से, और विकलांग बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात कंटिन्यू कर रहे हैं ये, और देखा जाए तो 2020 तक ये सारी की सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए सारी की सारी चीज़ें होंगी, एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। किसी व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास के पहलुओं से संबंधित नहीं किया जा सकता, किसे किसे नहीं किया जा सकता, तो सही आंसर है हमारा इसका मीडिया की खोज को। स्वभाव, मीडिया की खोज, आत्मसम्मान या समुदाय की भावना, तो यहाँ पर बताना है जो नहीं है, संबंधित नहीं है या नहीं किया जा सकता, तो वो है हमारा मीडिया की खोज यानी कि एक्सप्लोरिंग मीडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया काउंसलिंग, सॉरी क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है या का भाग है, कुछ भी कह सकते हैं, सामान्यकरण, भेदभाव, विलुप्त या उपरोक्त सभी, तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमारा एज अ एक्सपेरिमेंट किया था
पैवलॉव के अकॉर्डिंग एक डॉग के ऊपर, तो वहां पर उसको अच्छे से समझाया गया था कि एक्चुअल में क्लासिकल कंडीशनिंग वहां पर किस तरीके से कंटिन्यू होती है। तो उसको भी एज अ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं कंटिन्यू करूँगी उस एक्सपेरिमेंट को, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में सामान्यकरण यानी कि जर्नलाइजेशन भी आता है, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भी आता है, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्शन, ये तीनों ही ऑप्शन आते हैं। तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की उच्च दर का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है के अकॉर्डिंग है, और ये पेपर सीटेट में आ चुका है 2012 के पेपर टू में। तो बताना है कौन सा कारण नहीं है, अनियमित तो उपस्थिति, अभिभावकों की जागरूकता का अभाव, उचित शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, या सरकार की ओर से पहल का अभाव। तो सही आंसर है जो नहीं है, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि उचित शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, यानी कि लेक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग। तो इसका ये तो कमी बहुत ही कम मिलती है अगर स्कूलों में देखा जाए प्राथमिक कक्षाओं में, तो ये एक बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट या इम्पोर्टेंस देने वाला हमारा ऑप्शन है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, समाज के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, एक शिक्षित नागरिक की तरह चिंता के बिना, केवल हमारी खुशी और दर्द के साथ महत्व रखता हो, या कुछ लोगों के प्रति उदार होंगे। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, अगर एज अ टीचर हम कंटिन्यू हैं या आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो समाज के प्रति हमारा रवैया ऑलवेज शिक्षित नागरिक की तरह होना चाहिए, यानी कि लाइक टू बी अ एजुकेटेड सिटीजन के अकॉर्डिंग। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जो एज अ टीचिंग के अकॉर्डिंग उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से भी रिलेटेड होते हैं। तो याद रखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन डी प्राइजेस में अक्सर मिलेंगे। सो ये थे आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगा हो कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप लोगों को लगती हैं कि मुझे बतानी चाहिए, तो वो भी चीज़ें आप लोग मुझे बता सकते हैं, और ऐसे ही अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।